नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सोनू लव, आपका हमारी नई वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी वीडियो, काफी जो हमारे दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, काफी भाइयों के कमेंट आए कि जो सिक्कों के अंदर मिंट होते हैं, सिक्के कहाँ बनते हैं, मिंट का क्या मतलब होता है, उसके बारे में मास्टर विजेंद्र सिंह जी के पास डिस्कस करने के लिए आए हैं। और ये पूरी वीडियो इसी से रिलेटेड रहने वाली है, हालांकि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। मास्टर विजेंद्र सिंह जी आज हमें एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा मिंट कहां पर है, कौन सा मिंट कितना पुराना है, कितना नया है, और कौन से सिक्के कहां पर बनते थे, इनकी क्या कॉस्ट आती थी, क्या कॉस्ट कटिंग रहती थी, जो मेटल में पहले बनते थे अब क्यों नहीं बन रहे। ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं कहूंगा भाई, जो भी भाई नया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आपको देखने को अक्सर मिलेगी। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों हम आ गए हैं मास्टर जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। ठीक है, बहुत शानदार है। और भाई आज आपके लिए शानदार वीडियो लेके आया हूँ, शानदार आपको जानकारी देंगे हम, क्योंकि सिक्कों के बारे में आज तक बहुत कम लोग बताते हैं कि भाई कौन सा सिक्का कहाँ बना, कैसे बना, किस मेटल का बना। तो आज हमारी वीडियो खास इसी बात पे रहेगी। तो दर्शकों आप दिल थाम के बैठ जाइए और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर ले। नए दोस्त हैं तो अपने यार दोस्तों को भेजे। तो आज शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और इस वीडियो में का उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे सिक्के जितने भी है आखिर बनते कहाँ हैं। तो दोस्तों काफी भाइयों का कमेंट आया था, काफी व्यूअर्स का कमेंट आया था, और बड़ी मुश्किल से आज मास्टर विजेंद्र सिंह जी ने टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर का। तो सर करिए, कंटिन्यू करते हैं, चलिए वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट में ही प्रश्न बन जाता है, जब भी कोई चीज पैदा होती है, जैसे हम लोग आप लोग पैदा हुए, तो उसी शहर का उसी गाँव का नाम जुड़ जाता है। ऐसे ही जब सिक्के बनते हैं तो सिक्के भी किसी कहाँ कहाँ बनते हैं वो हमें पता करना है आज। जी, तो सबसे बड़ी बात है, हमारी भारत में चार जगह सिक्के बनते हैं, चार जगह, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, ये चार जगह टकसाल है हमारी। तो सर इसमें सबसे नया और सबसे पुराना सर कौन कौन सा है? हाँ, मैं आपको मिंट वाइज बोलो, टकसाल मिंट को टकसाल बोलते हैं, जहां सिक्के बनते हैं उनको मिंटेज बोलते हैं, कि कौन से सिक्के की मिंटेज हुई, किस सन में हुई। तो दोस्तों जब आपके पास कोई भी सिक्का आता है, जैसे मैं ये सपोज आपको ये सिक्का ही दिखा रहा हूँ, ये सिक्का एक रुपए का सिक्का है। जब भी कोई सिक्का आपके पास आता है, तो आप देखेंगे एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो सबसे पहले आपको ये देखना, जो सन होता है ना, सन पे ये सन होता है, जो भी हर सिक्के में आपको सन मिलेगा, क्योंकि जब भी सिक्का बनाया जाता है तो उसके सन को विशेष महत्व दिया जाता है, और सन के हिसाब से ही सिक्कों की मिंटेज होती है। सन के नीचे कोई न कोई चिन्ह जरूर मिलता है। जी सर, हमने भी काफी चिन्ह ऐसे देखे हैं, मिंटों के बारे में सुना था, लेकिन उनकी एक्चुअल डिटेल जो है आज बताएंगे। जी, जब भी आप कोई सिक्का देखते हैं और सन के नीचे, ये डायमंड के निशान दिखते हैं। ओके सर, सन के नीचे जब ये डायमंड का निशान होता है तो समझ जाइए आप, वो सिक्का बॉम्बे का बना हुआ है, बॉम्बे मिंट का। हाँ, ये लोगो है सर, एक लोगो है, ये कहते हैं पहचान है, ये एक प्रकार से ये बॉम्बे मिंट टकसाल की पहचान है, जो कि हमारी डायमंड के तौर पे होती है। इसको मैं एक सिक्का दिखा भी देता हूं। हाँ जी, हाँ जी, आपको इसका बना हुआ सिक्का ये देखिए भाई, ये सिक्का आप ये इसको दिखा सकते हैं, ये थोड़ा इसको जूम करके भी आप दिखा सकते हैं, सन के नीचे ये डायमंड का निशान जी आपको सर दिखाई दे रहा है। ये 1988 का है, और ये दोस्तों हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसके सन के नीचे जो है डायमंड का जो लोगो लगा हुआ, ये बॉम्बे मिंट का है। हाँ, अभी कई बार क्या होता है, जैसे मेरे को चश्मे चढ़े हुए थे, जिसको चश्मे चढ़े है तो वो थोड़ा इसको आराम से डिटेल में देख के भी आराम से, या मैग्नीफाई ग्लास के साथ भी इसको देख सकते हैं, ताकि ये बड़ा ही इजीली आपको दिखेगा। दूर से तो ये आपको बिंदी दिखाई देगी, एक्चुअल में बिंदी नहीं होती, ये डायमंड का निशान होता है। ठीक है, बिंदी क्या होती है वो भी हम आगे बताएंगे। तो ये
जी ये था दोस्तों बॉम्बे मिंट का जो लोगो है भाई, इससे हमें पता लग जाएगा बॉम्बे मिंट का ये सिक्का बना हुआ है। तो सर एक चीज और बताइए, जैसे ये बॉम्बे मिंट का है, इनका लोगो दे दिया, तो इनका क्या विशेष कारण रहता है कि अलग अलग जगह लोगो देने का क्या कारण है? भी कलकत्ता का बना है या बॉम्बे का बना है, उससे कोई विशेष कारण उसका, कोई सरकार के द्वारा या हाँ, किसी और रीजन से? हाँ देखो, किसी भी चीज का प्रश्न अच्छा है, किसी भी चीज की पहचान आपकी स्थान जगह और पहचान तो बनती है ना किसी भी चीज से। अब जैसे मान ले मैं टीचर हूँ, टीचर मैं पढ़ाता हूँ तो ही तो मेरी पहचान है, है ना। स्कूलों में टीचर हूँ तो मेरा लोग एक प्रकार से टीचर की पहचान है, या फिर आप यूट्यूब से आप वीडियो बनाते हैं तो आपकी पहचान वीडियो से। ऐसे ही सिक्के जहां बनते हैं वो अपना एक लोगो इशू करता है, ओके, ताकि पता कैसे चलेगा कि हमने कितने इशू कर दिए। जी बिल्कुल, तो एक प्रकार से लोगो होता है, एक प्रकार से ये समझो प्रोडक्शन मिंट होता है, प्रोडक्शन लोगो होता है कि भाई ये वहां का बना हुआ मिंट से इतनी प्रोडक्शन। जैसे जैसे गाड़ी है, किसी भी कंपनी की गाड़ी है जी, तो किसी का लोगो तो नहीं लगाएंगे ना वो। हाँ जी, वो अपना ही लोगो लगाएंगे। ऐसे ही एक प्रकार से लोगो होता है उस मिंट का, सिक्कों की बात हो रही है तो हम उस मिंट की बात कर रहे हैं जहां पे वो लोगो बना, जहां सिक्का बना है वो उसका लोगो होता है। तो इसमें कोई कॉस्ट कटिंग की या कॉस्ट में कोई डिफरेंस आता है सर अलग अलग मिंट में, या जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे वो हम बताएंगे, पहले हम थोड़ा मिंट के बारे में बात करें। सर ये है हैदराबाद मिंट, हमने पहले ही बताया कि हैदराबाद मिंट में सिक्का होता है, तो इसके सन के नीचे आपको स्टार दिखेगा, स्टार। कोई भी सिक्का आप जब देखें आपके हाथ में, या भी आपके यदि जेब में कोई पैसा हो तो आप अभी ही वीडियो देखते देखते उसका निरीक्षण कर सकते हैं, यदि स्टार निशान है तो डेफिनेटली वो हैदराबाद का बना सिक्का है। यहाँ भी मैंने रखा हुआ है हैदराबाद का बना हुआ सिक्का, ये भाई दिखाओ भाई, ये देखो ये हैदराबाद का स्टार बना हुआ है इस सिक्के पर, ये आप देख सकते हैं। हाँ, यदि आपके जेब में भी यदि पड़ा हुआ है तो सिक्का, वहां भी आप देख सकते हैं कि भाई ये स्टार जो सन के नीचे स्टार बना है वो हैदराबाद का बना हुआ सिक्का होता है। तो आगे हम बता रहे हैं आपको नोएडा मिंट, ये हमारी सबसे नई मिंट है जो कि 92 के आसपास ही बनी थी। तो ये नई मिंट है सर? हाँ नई मिंट है। तो दोस्तों जो मिंट, चार मिंट है हमारे इंडिया में, ये सबसे करंट की मिंट है नोएडा मिंट जी, 92 के आसपास बनी थी। ओके सर। जब भी नोएडा मिंट से कोई सिक्का इशू होता है तो सन के नीचे एक बिंदी लगाते हैं, डॉट, सिर्फ डॉट सर, बिल्कुल डॉट, सन के नीचे डॉट सिर्फ। हाँ जैसे मैं दिखा भी देता हूँ ना आपको, ये देखिए, ये भाई ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल 1989 का है और इसमें ये शायद ये डॉट लगा हुआ है। हाँ, ये दिख रहा है ना, ये लाइट लाइट में जी, 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 सर। दिखने लग गया जी, तो जी, ये इस तरह एक डॉट बनता है। तो सर इसका कोई, जैसे मान लीजिए ये है बॉम्बे मिंट का है, हाँ हाँ, थोड़ा बहुत जैसे सिक्के जेब में होते हैं घिस भी जाते हैं देखने में, तो देखने में ना सेम से लगते हैं, देखने में बड़ा इशू आता है, और बहुत से लोग हमें फोटो भेजते हैं कि मेरे पास तो नोएडा मिंट का है, बॉम्बे मिंट का है जी, क्योंकि इसमें नोएडा मिंट का थोड़ा सा महंगा होता है और बॉम्बे मिंट का ज्यादा महंगा नहीं होता है। तो इसमें हम अभी दोबारा हम लाइट दिखाएंगे और उससे पता लगाएंगे हमारे, क्योंकि हमारे दर्शकों को जी, जी, दिखाना जी, उनका ज्ञान बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। तो ये देखिए भाई, नोएडा का, ये नोएडा का है और ये आपका बॉम्बे का है, तो आराम से आप ये देख भी सकते हैं कि भाई अलग अलग, दूर से देखने से तो बिंदी दोनों दिखाई देगी, लेकिन ये मोटी बिंदी है और ये डायमंड है, डायमंड, ठीक है ना, ठीक है। तो इस बीच में भी कई बच्चों, कई लोगों को कंफ्यूज होता है, तो नोएडा में मोटी बिंदी आपको दिखाई देगी, ओके सर, और बॉम्बे में आपको का साइड कट मिल जाएगा, कट डायमंड कट के तरह दिखाई देगी। इसी के साथ हम एक बात करते हैं, कोलकाता मिंट, अभी तो कोलकाता बोलते हैं, पहले कलकत्ता बोलते थे। कलकत्ता मिंट की खासियत ये है कि सन के नीचे किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं होता, मैं यही देख रहा था, प्लेन प्लेन, ये मतलब यहाँ पे शायद सर, भाई मेरे को ऐसा लगा यहाँ पे सर शायद होलोग्राम भाई छापना भूल गए या बनाना भूल गए, तो सर प्लेन ही होता है। हाँ कलकत्ता मिंट का कोई सिक्का आप देखेंगे, यदि आपकी जेब में भी कोई पड़ा होगा तो आप देख सकते हैं सन के नीचे किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, किसी भी तरह का
मिंट मार्क नहीं है, ये दिखा तो दोस्तों ये देख लीजिए कोलकाता मिंट है, प्लेन है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन है, सन के नीचे कोई भी इसमें मार्का नहीं है, ये देखिए हाँ हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये पहचान है कोलकाता मिंट की। हाँ जी जी ओके सर। तो इस तरह हमने चार मिंट के बारे में आपको बताया है। सबसे पहले हमने दिखाई थी बॉम्बे मिंट, यदि आपके पास अभी भी सिक्का है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बॉम्बे का बना हुआ सिक्का, सन के नीचे डायमंड मिलेगा आपको। यदि हैदराबाद आप देखते हैं तो यदि स्टार दिखता स्टार है तो आपको डेफिनेटली वो हैदराबाद जी का बना हुआ है। और यदि किसी भी तरह का सन के नीचे किसी तरह का मिंट नहीं है तो डेफिनेटली वो आपका कलकत्ता मिंट है। और जब सन के नीचे कोई मोटी सी बिंदी आपको दिखाई देगी, तो डॉट दिखाई देगा, तो वो आपका नोएडा मिंट का है। तो चार मिंट में हमारे सिक्के इशू होते हैं, बोले तो बनते हैं। इसी बीच में एक सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हाँ, आपने जैसे बताया नोएडा मिंट का महंगा होता है और बॉम्बे मिंट का इतना महंगा नहीं होता, मतलब हाँ, वो महंगाई कैसे है भाई, वो सरकार की तरफ से महंगा पड़ता है या हमारे लिए महंगा होता है, या ये पुराने सिक्कों की वजह से इनकी वैल्यू में डिफरेंस है? नहीं, वो तो क्या है, पिछले वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस की थी जी जी, जो जो मिंट कोई सिक्का कम इशू करती है जी, तो वो महंगा हो जाता है। तो नोएडा मिंट यूं की नई मिंट है तो इस पे थोड़ा लोड कम रखते हैं, कलकत्ता बॉम्बे और हैदराबाद से ज्यादा इशू होते हैं, तो जो कम जिस मिंट से कम बना डेफिनेटली उसकी प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा हो जाती है, इस चक्कर में भी थोड़ा महंगा हो जाता है। तो दोस्तों अगर किसी भाई इस चैनल पे कोई भाई नया है, कोई दोस्त नया है, उसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो में मास्टर जी ने डेफिनेशन दी थी इस बारे में कि क्यों कोई सिक्का इतना महंगा होता है, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती ही कम है, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। अगर नहीं देखी और चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी बीच में एक सिक्का बहुत देखने को मिलता है, हाँ जी, अभी ये दिखाओ मैं इन सभी को, ये मैं विशाल भाई हूं, थोड़ा नजदीक ये देखो, ये मेरे को आप देख के बताओ ये कौन सी मिंट है, ये क्या लिखा है इसके पास? ये तो सर 1985 का एच लिखा हुआ है, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉर्स। सर ये चीज मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, हाँ हाँ, क्योंकि जब हम छोटे थे स्कूल में जाते थे तो हाँ, हमने इकट्ठे किए थे सिक्के किसके लिए, हाँ, उस टाइम एचएमटी की घड़ियां आती थी। अच्छा एचएमटी तो जैसे हमसे बड़े हो गए या कोई भी ऐसी मार्केट में जैसे कोई बातें फैल जाती है, फैल जाती है, एच का सिक्का, एम का सिक्का और टी का सिक्का, एच एम टी बना के ले आएगा, उसको एक एच एम टी वॉच मिलेगी तीन सिक्कों का। ये काफी अफवाह उड़ी थी कि एच एच तो ये है जैसे रखा जी, मैंने जी, जी आपको। एम का बॉम्बे का बनता है, प्रूफ क्वाइन होता है जो, वो उस पे एम लिखा हुआ मिल जाता है। एच और एम तो मिल जाएगा, टी किसी तरह की मिंट ऐसा नहीं है जो टी अपना मार्क बनाती है, तो डेफिनेटली ये फेक बातें हैं कि एचएमटी तो आप जोड़ के लेके जाओगे। उस टाइम तो ये सर सोशल मीडिया वगैरह या कुछ ऐसा इतना नहीं होता था, तो पता नहीं लगता था, तो ऐसा लगता था भाई किसी के तो निकली होगी घड़ी। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसा करके घूमते थे। अच्छा प्रश्न ये भी बना ना, ये एच क्या आ गया? हाँ सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, तो दोस्तों जिसने भी बचपन में एचएमटी के लिए ऐसे तीन सिक्के इकट्ठे करने की कोशिश की है जिसके नहीं हुए, तो भाई कॉमेंट करके जरूर बताना कि किस किस भाई ने, किस किस फ्रेंड्स ने हमारे इस ऐसे सिक्के इकट्ठा करने की है। और सर से अब मैं पूछना चाहूंगा, सर ये मिंट के आपने चार दिखाए हमें, डॉट स्टार, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो एच कौन सा मिंट है या कोई स्पेशल ऑप्शन पे है या क्या है ये? हाँ तो दोस्तों भाई ये भी बड़े अच्छा प्रश्न बनता है, अभी काफी टाइम से भी ये प्रश्न काफी मेरे से भी पूछा जाता है, मैं भी बताता रहता हूँ। आज सोनू भाई इस चैनल पे सोनू लो पे आप जान जाएंगे, एच मिंट हमारी भारत की कोई मिंट नहीं है, एक्चुअल में ये यूके की एक मिंट है जिसका नाम है हिटन मिंट यूके। हाँ, यूके की बनी हुई है और उस मिंट से यदि सिक्का इशू होता है यूके। सर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, यूके उत्तराखंड या उत्तराखंड यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम। तो भाई ये क्यों, कई यूके ऐसा हो जाता है कभी उत्तराखंड में कोई मिंट लगी हो पहले, नहीं भारत का नहीं है तो ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम, तो इसलिए वहां एच मिंट लगाते हैं, जैसे अपने यहाँ कुछ लगा दिए तो कई देशों में एच ए बी सी डी कुछ कुछ करके लिखते हैं, बट ये लोग एच लिखते हैं तो ये मिंट पूरी आ जाती है। और एक बात और है, ये तो हमने यूं ही अपन से बात करे तो एच मिंट का मिल गया, लेकिन ऐसे ही 10-12 मिंट और हैं जो कि भारत में से नहीं है लेकिन वो बाहर की है। क्यों है उसकी वजह ये है,
कई बार इतना लोड हो जाता है सिक्कों का या मेटल हमें हमारे पास नहीं होता है okay. तो वो मेटल हमें दूसरे देशों से लेना पड़ता है और मेटल लेके हम छापे तो भी महंगा पड़ेगा जी जी. तो वो हम दूसरी मिंट को बोल देते हैं दूसरे देश okay. की मिंट को कि भाई हमें अब 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का 2 रुपए का सिक्का बना के दीजिए भारत में आए हैं काफी वो हमें इतने करोड़ इतने लाख आप हमें बना के दें तो वो हमारे मिंट का तो लोगो लगाएंगे जी 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 वो अपने मिंट का लोगो लगा के फिर हम अपने देश में सप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों मास्टर जी ने पहले से ही बता दिया है मैं पूछना चाहता था ये बात भी विदेश में क्या विशेष कारण रहता है बनवाने का अपने हाँ, तो लोड ज्यादा हो जाए खपत ज्यादा हो जाए तो उस वजह से या फिर यहाँ मेटल वो कम मिलता कम मिलता है जी जी और अब जैसे तेल अपने देश में नहीं बढ़ता है जी 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 देशों से आ रहा है इराक से ईरान से ऐसे ही यदि तेल की कोई चीज हम मंगाना चाहे वहां से सस्ते मिलेगी इंपोर्ट करना पड़ता है हाँ और यहाँ हम बनाएंगे कोई तेल की चीज तो महंगी महंगी पड़ेगी और वहीं से मंगवा लेंगे तो सस्ता पड़ जाएगा ऐसे ही कुछ सिक्के हैं जिसमें 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया और 2 रुपया एंड 25 पैसा और 50 पैसा इस तरह के सिक्के भी आपके विदेशों से बन के आए हैं जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर जैसे विदेशों से बन के आए हैं जैसे हमारे ये 4 मिंट है ये तो अपने देश की है यहाँ गवर्नमेंट अपने नजरों के सामने बनवा सकती है जैसे मान लो लिमिटेड एडिशन होता है भाई आपको इतने ही छापने हैं तो विदेश में अगर किसी भी देश में आप बनवाते हैं किसी मिंट से तो वहां खतरा नहीं होता कि वो हमारी मुद्रा बना सकते हैं एक्स्ट्रा बना के और हमारे बाजार में ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं होता अभी जैसे ये मुद्रा वहां तो जीरो है ना हाँ वहाँ जीरो है मान लो हाँ तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है वो तो अपने को देख के ही बेनिफिट ले सकते हैं ना जी जी क्योंकि मैं भी ये सोच ही रहा था मैं आपसे भी क्लियर पूछना चाहता था क्लियर करना चाहता था अपनी डाउट कि भाई इस पे मेटल पे इतनी कॉस्ट लग जाती है कि वो अगर 1 नंबर में ही दें 2 नंबर की जुड़ती ना अपने नहीं नहीं जरूर ऐसा कोई वो नहीं है क्योंकि इसका वैसे मार्केट में तो इतना सस्ता कोई लेगा नहीं ओके लेकिन सरकार यदि दूसरे से मंगवाएगी तो बहुत महंगा लेती है कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा महंगी आती है विदेश से बनवाएंगे तो ठीक है तो कहने का भाव मेरा ये है कि जब भी आप कोई सिक्का देखें तो आप मिंट जरूर देखें मिंट के हिसाब से ही उसकी वैल्यू डिसाइड होती है और आपकी नॉलेज के लिए भी पता लग जाता है कि आपके पास कौन सी मिंट का कौन सा सिक्का अवेलेबल है तो सर सबसे महंगी मिंट अपनी इन चारों में से कौन सी है महंगी मिंट का मतलब कुछ नहीं होता महंगी मिंट सभी होती है डिपेंड करता है कि किस मिनट से कितना कम सिक्का छपा है जो कम जितना कम छपेगा वो उतना ही महंगा हो जाएगा ऑलमोस्ट आपके नोएडा मिंट के महंगे सिक्के होते हैं महंगे सिक्के उसके बाद दूसरे नंबर पे हैदराबाद मिंट आती है ओके सर जी तो दोस्तों ये था हमारा मिंट का जो डिटेल थी वीडियो की ये मास्टर जी के साथ जो वीडियो का सफर था भाई बहुत मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिली आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना और हाँ भाई एक चीज और भाई आप लोग ना वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब चैनल करते नहीं हो कमेंट भी करते हो बहुत सारा प्यार भी दिखाते हो जो कि मेरे को लास्ट 2-3 वीडियो में देखने को मिला बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते भाई प्लीज बहुत मेहनत करते हैं मास्टर जी भी हमें बहुत समय देते हैं समय निकालते हैं आप भी थोड़ा सा समय निकाल के एक ऐसे गुट्ठा से दबा दो यार प्लीज तो सर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद तो दोस्तों लाइक करें सब्सक्राइब करें वीडियो बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक आती रहती है यार दोस्तों को बताएं कॉलेजों में स्कूलों में जो जाने वाले बच्चे हैं वो भी वीडियो को देखें आसपास पड़ोस में भी वीडियो को पहुंचाएं लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू